सीट के ऊपर। चलिए हम चालू करते हैं। भाभी पेन में पेन आवाज आ रही है आप लोग को? ना जी मंगला चरण से चालू करते हैं, जो अपना थोड़ा सा विषय अधूरा रह गया है हम लोग देखेंगे। नमः समय सारा, जिन्होंने भी चप्पल पहने हैं वो चप्पल उतार दें, थोड़ी सी आवाज इसको बढ़ा दो, ऐसी आवाज बढ़ा दो। नमः समय सारा स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरोचिते। बस ये 15-20 मिनट में अपना जो विषय अधूरा रह गया था ना, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा है ना। चलिए ब्रेक में भूल तो नहीं गए, कितने बोल हो गए थे हमारे? 14। पक्का गलत हो आप लोग, गलत हो, इसलिए मैंने सबसे पहले यही पूछा कितने हुए थे, पहले कौन सही जवाब देता कितने हुए थे। नहीं तो बहुत आगे बढ़ गए, 20 नहीं नहीं अच्छा हाँ बाद में दीदी ने लिए हैं, प्रज्ञा दीदी ने अपने मेरे ख्याल से अपने टोटल 13 बॉल हुए थे, 12 बॉल, 13 हो गए थे, 12 प्रत्येक अंतिम मैच था प्रत्यय है ना। कितने प्रकार के प्रत्यय बताए थे? प्रत्यय का अर्थ क्या था? आश्रय, प्रत्यय माने आश्रय, उसके 4 भेद बताए थे, मिथ्यात्मा अनुमति प्रमाद कषाय और योग। अगर 5 कहें तो मिथ्यात्म अभिरति प्रमाद कषाय और योग। अच्छा 29 के 29 बोल में एक कॉमन लाइन लिखी है, ये सब किसके परिणाम है? ये सारे जो 29 के 29 बोल बताए हैं वो सब के सब है मौसी, किसके है मौसी? खुद उगलने के, इसलिए अपनी अनुभूति से ये कैसे है भिन्न है। अभी आप लोगों ने नाश्ता किया कि नहीं? तो आवाज आनी चाहिए भैया है ना, फ्रूट भी आप लोगों ने बहुत खाया है, संतरा जाम है ना, क्या क्या नहीं खाया आपने, सब खा लिया है ना। चलिए तो आवाज जोरदार आनी चाहिए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 13वें नंबर का बोल याद करते जाओ, याद करते जाओ है ना। 13वें नंबर का बोल है कि मैं कर्म बहुत शॉर्ट में ले रही हूँ, मैं एक एक वाक्य नहीं पढ़ूंगी आचार्यों का, वो आपका होमवर्क है। नहीं वाक्य याद कर जाओ हाँ। चलिए 13वें नंबर का बोल है कर्म, कौन सा है? प्रगति भाभी आगे से, भाभी कौन सा है? कर्म। पीछे अनुष्का बहन आपको आवाज आ रही है? बोलो बेटा कौन सा है 13वें नंबर का? प्रगति भाभी। कर्म कौन सा है? कर्म पीछे, कर्म ठीक है ना, कर्म से भी मैं भिन्न हूँ क्योंकि कर्म भी मेरी अनुभूति में नहीं आते। जब आत्मा की अनुभूति होती है तो पता चल गया कि मैं जड़ कर्म से भी कैसा हूँ, भिन्न हूँ। कौन बताएगा कि कर्म कितने होते हैं? आज खाली मैं नहीं बोलूंगी, आज आप लोग को भी बोलना है क्योंकि अपन बस में स्वाध्याय कर रहे हैं है ना। हाँ पीछे पीछे बोले भाभी, बच्चे बता रहे हैं, बच्चे जोरदार ताली यार, तो क्या चिंगारा के बच्चे भी बहुत होते हैं। चलिए 8 प्रकार से कर्मों से भी मैं कैसा हूँ? कर्म 2 में विभाजित किए, कर्म 2 में कौन कौन से? जाती और अजाति। कौन बता सकता है कि 6 द्रव्यों में से कर्म कौन सा द्रव्य है? हाँ नहीं नहीं, 6 द्रव्यों में से कर्म, कर्म कर्म कौन सा द्रव्य है? जीव है, पुद्गल है, पुद्गल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पुद्गल है ना। और मैं कौन सा तत्व हूँ? दोनों के बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। अभी पंडित जी ने सुबह बताया था ना पूजा में कि कर्म को दोष नहीं देना, कर्म घुमाते हैं मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी।
कर्म मुझे दुखी या सुखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं कर्म से भी कैसा हूँ, मैं श्रुति बहन कर्म से भी भिन्न हूँ, क्योंकि कर्म जड़ है। कर्म की ताकत नहीं कि मुझे सुखी दुखी हम अच्छे अज्ञानता से दुखी हो तो गेम्स और सही समझ से कैसे हो जाइए रहेंगे। तो गुरुदेव नहीं मिले थे ना, तो उसके पहले हम सब दोष कर्म कर देते हैं। मैं भजन गाऊं, सुमत जी बहुत बार गाते हैं, वे आठ कर्मों के बीच में बिचारी आत्मा दुखी आत्मा। गुरुदेव जी नहीं मिले थे आंटी, तब हम क्या गाते थे, हाँ कर्म के बीच में आत्मा कैसी है, दुखी है ना। जब भी नींद आ जाए तो और बाजू वाले कहे सो गए आपको, आप क्या करोगे, क्या करें, गाना वाली कर बताओगे मंदिर क्यों नहीं आए, क्या करे असाधा वेदनी का गई। इतना दोष किस पर देते थे अपन, कर्म। और गुरुदेव आए तो गुरुदेव ने हमारी समझ को ठीक कर, गुरुदेव आए तो हम गाने लगे, आठ कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा है हमारी आत्मा, सुरक्षित है सुरक्षित। आप बैकग्राउंड म्यूजिक मत दो भाई, है ना, हमारी आत्मा कैसी है, सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ है हमारी आत्मा को, ठीक है ना। आगे बढ़े चौदहवें नंबर का बोल, ये तो एक एक बोल बहुत टाइम चलता पर समय कम है ना। चौदहवें नंबर का बोल है कि मैं नौ कर्म से भी भिन्न हूँ, ठीक है ना। तेरहवा नंबर का बोल कर्म, बहुत बढ़िया। चौदहवें नंबर का बोल है मैं नौ कर्म से भी, तो आप कहोगे नौ कर्म माने तो हमने ये सुना है कि गाड़ी बंगला है ना, क्या ये नौ कर्म है, मैं यहाँ ये अर्थ नहीं, यहाँ पे नौ कर्म का अर्थ आचार्य देव ने किया है कि तीन शरीर और छह पर्याप्ति के योग्य जो आत्मा कर्म परमाणु को ग्रहण करता है ना, उसको नौ कर्म कहा, समझना उसको क्या कहा, और वो नौ कर्म से भी मैं कैसा हूँ, भिन्न हूँ, बराबर। आ गया चौथे नंबर का बोल, समझ में आ गया, नौ कर्म छह पर्याप्ति के नाम, किसी को याद है छह पर्याप्ति के नाम, हाँ आहार शरीर, जोरदार तालियां, क्या नाम है आपका भाभी, क्या भाभी के लिए जोरदार तालियां, आप है ना, आप लोग टर्न बाय टर्न आंसर देते जाना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े पंद्रह नंबर का बोल है मैं कर्म के रस के शक्तियों का माने समूह रूप से भी मैं भिन्न हूँ, माने मैं वर्ग से भी भिन्न हूँ, क्योंकि समान अविभाग प्रतिच्छेद रूप जो समूह है ना उसको कहते हैं वर्ग, वर्ग अभी तीन मोल आएंगे, वर्ग वर्गना और स्पर्धक, समान कर्म के अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को कहते हैं वर्ग, इजी अभी याद हो जाएगा, वर्गों के समूह को कहते हैं वर्गना और वर्गना के समूह को कहते हैं स्पर्धक, याद रह गया, याद रह गया, चलिए बोलिए वर्ग किसे कहते हैं, समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले कर्मों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ग, वर्गों के समूह को और वर्गना के समूह को, ठीक है तीन बन हो गए, वर्ग वर्गना और स्पर्ग, वर्ग तो आ गया समझ में, वर्गना आपको पता है टोटल वर्गना कितनी है, टोटल वर्गना करणालियों में बताई है गोमत्सराधि ग्रंथों में 22, कितनी है 22, एक परमाणु को उसमें ऐड कर दो ना तो हो जाएगी 23, ठीक है ये सब 22 है वो स्कंद रूप है, एक परमाणु को ऐड कर दो तो हो जाएगी 23। अब जीव का कितनी वर्गनाओं के साथ संबंध है, पांच, कितनी वर्गना, पांच, मैं एक बार पांच वर्गनाओं के नाम बोलती हूँ, आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, तेजस वर्गना और कार्बन वर्गना, ठीक है। कौन मुझे बताएगा आहार वर्गना में से क्या बनता है, आहार वर्गना में से तीन शरीर बनते हैं, तीन शरीर, औदारिक वैक्रिय और आहार, बहुत बढ़िया। मनोवर्गना में से मन बनता है, तेजस वर्गना में से तेजस, कार्मण वर्गना में से कर्म शक्ति, कर्म शक्ति है ना,
और एक और रह गया भाषा में से पानी। आपको पता है इसमें से क्या गजब का एक सिद्धांत निकलता, एक वर्गना दूसरी वर्गना का काम नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हमने ताली बजाई तो ये आवाज आई, परंतु ये भ्रम है, क्योंकि ताली है ना, ताली ये है आहार वर्गना, और जो आवाज आई ना वो है भाषा। ताली से आवाज नहीं आई, क्योंकि आहार वर्गना भाषा वर्गना का काम नहीं करे। समझ में आ रहा है? भाषा वर्गना आहार वर्गना का काम नहीं करे। दो वर्गना अलग अलग है, दो वर्गना। समझ में आ रहा है? तो भाई जीव पुद्गल का काम कैसे कर सकता है? अत्यंत अभाव है, माने आहार वर्गना भाषा वर्गना के बीच में कौन सा अभाव है? नहीं, अन्योन्य अभाव। कौन सा अभाव है? अन्योन्य अभाव है, बराबर। वर्ग वर्गना और स्पर्धक, स्पर्धक स्पर्धक नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्पर्धक है ना। घाती कर्म होते ना, घाती कर्म, उसमें दो प्रकार के स्पर्धक है, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। कौन से दो प्रकार के स्पर्धक है? देशघाती और बेटा मैं इन स्पर्धकों से भी भिन्न हूँ। देशघाती स्पर्धक की परिभाषा आती है कि जो एक देशघात कर है ना, और सर्वघाती माने जो सर्व को घात कर। परंतु एक सिद्धांत है कि कर्म हमारा घात कर सकता ही नहीं है, है ना। देखो निगोद में चला जाए ना, जीव निगोद में, तो ज्ञान कितना हो जाता है? अक्षर के अनंत में भागता ज्ञान हो जाता है। परंतु एक बात बताऊ, ज्ञान का इतना घात नहीं हो सकता कि ज्ञान का अभाव ही हो जाए, क्योंकि ज्ञान का अभाव हो जाए तो जीव क्या हो जाएगा? जीव जड़ हो जाए। इसलिए कर्म मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। कर्म क्या, कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी है ना। कर्म में शक्ति भी नहीं और कर्म में ज्ञान भी नहीं। पंडित कोगल जी ने कहा ना, इसे डरना नहीं, पाप पाप का उदय तो मुनिराज होकर भी आता है ना, परंतु पाप के उदय के बीच में मुनिराज क्या कर लेते हैं? उदय का लक्ष्य नहीं करते हैं, और उदय के बीच में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। मैंने हम कभी हमारे जीवन में कोई पाप का उदय आवे ना, तो डरना नहीं, वेद ज्ञान करना कि पाप के उदय से भी मेरा भगवान आत्मा कैसा है, भिन्न है। वेद ज्ञान करो भाई, वेद ज्ञान करो। हमने सर्वोक्षण ज्ञान को अनंत बार बढ़ाया, परंतु हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। देखो हमने, हम भक्ति गाते ना, हमने छिंदवाड़ा जेल में गई थी ना, तो वहाँ भक्ति गाई थी मैंने। चाहे पापोदय हो चाहे पुण्योदय हो, इन पुण्य पाप से भिन्न ये अनुभव करना है। क्या अनुभव करना है? कि मैं पाप के उदय वाला भी नहीं और मैं पुण्य के उदय वाला भी नहीं। समझ में आ गया? एक और एक करनालियों की बात बता रही हूँ मैं। देखो घाती कर्म की टोटल प्रकृतियाँ कितनी है, टोटल प्रकृतियाँ आगे से 47, तो 47 में से 21 है सर्वघाती और 26 है देशघाती। 21 क्या है? सर्वघाती। और 26 कितनी है? 26 कौन सी है? देशघाती। तो मैं स्पर्धकों से भी क्या हूँ? भिन्न हूँ। देखो आगे 18वें नंबर के बोल में कहा कि मैं अध्यात्म स्थान से भी भिन्न हूँ। कौन से स्थान से? अध्यात्म स्थान से भी भिन्न हूँ। तो आप कहोगे कि भाई अध्यात्म स्थान माने आप अध्यात्म स्थान से भिन्न कह रहे हैं, है ना। अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ तो हमने क्या सुना है? अधि प्लस आत्मा, आत्मा के ज्ञान का नाम अध्यात्म। परंतु यह अध्यात्म माने वो नहीं, यहाँ अध्यात्म माने पूजा स्वाध्याय, ये जो हम यात्रा वगैरह कर रहे हैं, इन सब क्रिया को अपनी मानना, ये अध्यात्म स्थान है। हम अनादिकाल से इन यात्रा पूजा स्वाध्याय सत्संग भक्ति है ना विधान आदि में अटक गए। हमने इन क्रियाओं में ही क्या मान लिया? धर्म मान लिया। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मैं इन अध्यात्म स्थान से भी कैसा हूँ? नहीं की क्या पूजा? नहीं की पहले भक्ति? नहीं की सत्संग? नहीं किया? सब कुछ अनंत बार कर चुके, परंतु एक बार भी हमने इन क्रिया और परिणाम से अपने को भिन्न नहीं माना। मैंने 18वें नंबर के बोल में क्या कहा? मैं अध्यात्म स्थान से भी।
आगे 19 नंबर के बोल में कहा, देखो आप ये 4, 5, 7 में लेती हूँ मैं, अनुभाग स्थान याद करते जाना, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंद स्थान, उदय स्थान और स्थिति स्थान, है ना। फिर से बोलिए, फिर से, अनुभाग, बंद, योग, उदय स्थान, बंद स्थान, योग स्थान, अनुभाग स्थान और स्थिति स्थान, ठीक है। ये 5 बोल आपको याद है, पीछे किसी को याद हो गया? हाँ भाभी आप ट्राई करोगे, बोलिए। अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, बंद स्थान, योग स्थान और स्त्री स्थान और उदय स्थान। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और किसी को याद हो गया? हाँ बोलिए। अनुभाग, बंद, योग, स्थिति, उदय। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। हाँ श्रुति बहन बोलेंगे अभी। श्रुति बहन ये तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ चलिए, अनुभाग आप बोलोगे? बोलिए। बहुत बढ़िया, माइक दीजिए उनको पीछे। अनुभाग, बंद स्थान, योग स्थान, उदय स्थान और बहुत बड़ा, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, भावना बहन के लिए जोरदार तालियां। तालियों की आवाज नहीं आ रही आप लोग के लिए। चलिए है ना, सबसे पहले अनुभाग स्थान। तो अनुभाग में कहा कि सारे कर्मों का अनुभाग अपना अपना अलग अलग है। जाना वर्ण का अनुभाग रस अलग है ना, दर्शन मोनी मोनी कर्म का अनुभाग अलग, ठीक है, अंतराय का अनुभाग अलग, वेदनीय का अनुभाग अलग। परंतु हम क्या करते हैं पता है, हम सबको मिक्स कर देते हैं। हमें लगता है कि ज्ञानावरणी कर्म का संयोगक्षण हो ना ज्यादा, तो हमें लगता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन का मापदंड भाषा के साथ नहीं है, संयोग श्रम के साथ नहीं है, क्रिया के साथ नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन का संबंध किसके साथ है? श्रद्धा के साथ, है ना। ज्ञान ज्यादा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की, बराबर ना। श्री बुद्धि मुनिराज को बोलो कितना ज्ञान था, कितना कम ज्ञान था ना, फिर भी उसी बल से कहाँ चले गए? केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए, ठीक है ना। तो अनुभाग स्थान समझ में आया, सबका सब कर्मों का रस अलग अलग है ना। एक कर्म दूसरे कर्म का काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा असाता का उदय हो तो सम्यक दर्शन कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा नरक में कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा नरक में कर सकते हैं, यहाँ यहाँ कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा कोरोना हो जाए तो, अच्छा कैंसर हो जाए तो, अच्छा कोई दूसरा पाप का उदय आ जाए तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि कोई कर्म का उदय मेरे सम्यक दर्शन में बाधक क्या साधक नहीं है, ठीक है ना। अनुभाग स्थान समझ में आ गया। इसके बाद है बंद स्थान। बंद स्थान सारे कर्मों के बंद स्थान अलग अलग है, अलग अलग है ना। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कब रहता है, चालू कब रहता है? 4th से 7th तक है ना, उसके मध्य में उसकी शुरुआत होती है और 8th के 6th भाग तक वो बंद ही रहती है, बराबर। आहारत प्रकृति का बंद, आहारत द्वीग का बंद छठवे जो स्थान में होता है, ठीक है ना। अच्छा देव गति को नरक गति, देव आयु, देव गति वाले जीव को नरक आयु का बंद हो सकता है कि नहीं? देव गति वाले जीव को नरक आयु का नहीं हो सकता। अच्छा नरक गति वाले को देव आयु का नहीं हो सकता है, बराबर। तो सबके अलग अलग प्रकार के क्या है? बंद स्थान है, बंद स्थान है ना। कौन से जीव को कौन सी प्रकृति का बंद होगा वो भी सब ठीक है, परंतु मैं बंद स्थान से भी कैसा हूँ? भिन्न हूँ, है ना। चिंता नहीं करो, क्योंकि बंद मेरे में नहीं है, कर्म का मेरे में। चलिए आगे बढ़े, आ जाते योग स्थान के ऊपर। कितने ही प्रकार के योग बताए 7 दत्तावतार सूत्र में, 15, बहुत बढ़िया है ना, 15 प्रकार के योग।
गिना कैसे 15 चार मनोयोग, चार वचन योग और 7 काल योग। टोटल करोगे आप कितने हो जाएंगे 15। तो 15 प्रकार के योग से भी मैं कहता हूँ, ठीक है ना। ये योग माने वो रामदेव बाबा जो बताते हैं वो योग है ना। मैं योग स्थान से भी कहता हूँ, ठीक है। आगे जाते हैं स्थिति स्थान। स्थिति स्थान सारे कर्मों की स्थिति सबकी अलग अलग। आपको पता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद की चर्चा आती है, किसको हो सकता है वो इतना बंद, किसको हो सकता है बारिश? हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मुनि का बंद एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को भी हो सकता है, वो भी संगीत पंचेंद्रिय जीव को। किसको हो सकता है? संगीत पंचेंद्रिय जीव को। अच्छा, एक इंद्रिय को 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है, वो इस प्रकार का पाप कर ही नहीं सकता। शास्त्र में आया है उसको दर्शन मणि का बंद होगा तो 1 सागर का, 2 इंद्रियों को बंद होगा तो 25 सागर का, 3 इंद्रियों को बंद होगा तो 50 सागर का, 4 इंद्रियों को बंद होगा तो 100 सागर का और असंगी पंचेंद्रियों को बंद होगा तो 1000 सागर का। परंतु ये संगी पंचेंद्रिय जीव इतना पाप कर सकता है ना, कितना? कि वो दर्शन मोनी का कितना बंद कर सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। बराबर सारे कर्मों की भी स्थिति बताई है कि भाई ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शन मोनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर और नाम गोत्र और आयु की तो अलग है परंतु नाम गोत्र की कितनी 30 कोड़ा कोड़ी और आयु की तो सबको पता ही है कितनी है उत्कृष्ट 33 सागर। तो मैं स्थिति स्थान से भी कैसा हूँ क्योंकि मेरे में कोई कर्म की स्थिति पड़ती नहीं है, है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ, तो समझ में आ गया। स्थिति स्थान से भी मैं कैसा हूँ। फिर आगे उदय स्थान। उदय स्थान माने कर्म का उदय भी मेरे में नहीं है क्योंकि कर्म का उदय से भी मैं कैसा हूँ। उदय के काल में भी मैं क्या कर सकता हूँ? आत्मा की अनुभूति कर सकता हूँ। अंतिम बोल है, अंतिम दो तीन ही बचे हैं। देखो, एक तो है संक्लेश स्थान और विशुद्ध स्थान, दो स्थान आते हैं संक्लेश और विशुद्ध स्थान। संक्लेश माने कषाय के परिणाम और विशुद्धि के स्थान माने शुद्ध भाव, है ना। ये तो सबको पता है, ठीक है। तो उन परिणाम से भी मेरा भगवान आत्मा बंद है। फिर एक आता है संयम लब्धि स्थान। संयम, संयम की शुरुआत चालू होती है, शुरुआत होती है पंचम गुण स्थान से, है ना। अप्रत्याख्यान गया तो देश चारित्र प्रकट हुआ, प्रत्याख्यान गया तो सकल चारित्र हुआ और संजुलन गया तो यथाथात चारित्र प्रकट। परंतु ये भी सब परिणाम है और मैं परिणाम मात्र से कहता हूँ भिन्न हूँ। अंतिम दो जीव स्थान और गुण स्थान। जीव स्थान और गुण स्थान, जीव स्थान बताया 14 प्रकार के, 14 है ना। कैसे 14? एक बार अपन गिन लेते हैं। एक इंद्रिया के दो भेद, पादर और सूक्ष्म, की 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के दो, संगी और असंगी, संगी और असंगी बराबर। और ये 7 हो गए ना, तो 7 को आप मल्टीप्लाई कर दो पर्याप्त और अपर्याप्त, तो कितने हो गए 14। इन 14 जीव स्थानों से भी मैं भिन्न हूँ। और अंतिम 29 नंबर का बोल मैं गुण स्थान से भी कहता हूँ भिन्न हूँ। कितने प्रकार के गुण स्थान है, कितने भिन्न है? 14 है ना। चलिए, सिद्ध भगवान को कौन सा गुण स्थान है? सिद्ध भगवान को। और एक चीज जो गुण स्थानातीत है, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? और एक चीज जो गुण स्थानातीत है, आम आदमी गुण स्थानातीत। हाँ, सिद्ध भगवान तो है ही, शुद्ध आत्मा हमारा भगवान आत्मा भी कैसा है? गुण स्थानातीत है, ठीक है ना, है ना। गुणस्थान कितने हैं? 14। मैं ऐसे पूछ लूं क्या बीच बीच में से? मुनिराजों के गुणस्थान, मुनिराजों के गुणस्थान बस नहीं,
छठवे से बारहवे, ठीक है ना। अरिहंत भगवान के गुण स्थान तेरवा चौदवा। अच्छा, मिथ्या दृष्टि के गुण स्थान पहला दूसरा तीसरा है ना। शावक का गुण स्थान शावक शावक पांचवा गुणस्थान वाले को ही यथार्थ शावक कहते हैं। और असंयम सम्यक दृष्टि बहुत बढ़िया है ना। आप लोगों ने सही जवाब दिया, मोह और योग के कारण से गुणस्थान बनते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा मोह के कारण से, और पांचवे से लेकर पहले से लेकर बारहवा तक मोह के कारण, और तेरवा चौदवा योग के कारण गुणस्थान बनते हैं। इन 29 प्रकार के बोल से मेरा भगवान आत्मा कैसा है, भिन्न है। हम सबको भगवान आत्मा की अनुभूति हो जाए और हम सब पहले गुणस्थान में से चौथे में आ जाए, सम्य दर्शन की प्राप्ति हो जाए, गुणस्थान बदल जाए और हम सभी जी शुद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ पूरा करते हैं।